साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारे से अपडेट के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 8700 पदों पे हो रही है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं बोनस अंकों को लेकर क्या कुछ है, सारी जानकारी हम आपको देंगे और हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय में आगे की इन्फॉर्मेशन की और इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको लेट मिल रही है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रा का समय था इसलिए पैदल यात्रा चल रही थी, उसके लिए अपडेट नहीं दे पाए आपको। तो हमने सोचा कि आज ही आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो दैनिक भास्कर के द्वारा ये न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अंतरिम वेतन सूची में ज़्यादा अंक वाले शामिल क्यों नहीं हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने पूछा है कि नर्सिंग जो भर्ती हो रही है उस अंतरिम सूची में जो ज़्यादा अंक वाले हैं उनका नाम शामिल क्यों नहीं है। तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है क्योंकि राजस्थान में हाईकोर्ट ने 8700 पदों पर नर्सिंग ऑफिस भर्ती 2023 में ओबीसी सहित एससी एसटी वर्ग के ज़्यादा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने पूछा है कि अंतरिम चयन सूची में ज़्यादा अंक वालों की जगह कम अंक वाले चयनित क्यों किए, वहीं याचिका की कॉपी एजी को दिलवाई है। जस्टिस सुदेश मंसल ने यह निर्देश गिरिराज व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया कि नर्सिंग ऑफिस भर्ती जो 2023 की अंतिम वैधता सूची 7 अक्टूबर को जारी की थी, लेकिन इसमें प्रति ओबीसी एससी एसटी के उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है जिनके ज़्यादा अंक हैं, वहीं इसमें कम मेरिट वाले अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है। इसके अलावा भर्ती में अनुभव के बोनस अंक देने से भी राज्य सरकार अपने संशोधित आदेश पर पालन कर रही है। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र 1 महीने में 26 दिन के हिसाब से जारी किए हैं, जबकि संशोधित आदेश 30 दिन से जारी करने के लिए था। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से प्रार्थियों की वैधता सूची भी प्रभावित हो रही है, इसलिए प्रार्थियों को अंतरिम चयन सूची में शामिल करवाया जाए और अनुभव प्रमाण पत्र 1 महीने 30 दिन मान जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग से जवाब मांगा है। तो इसमें जो मामला है वो 26 दिन का है, 26 दिन के हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र बोनस अंक वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए कि, लेकिन महीना 30 का होता है तो 30 दिन के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र को माना जाए। तो अदालत ने इसका जवाब मांगा है। तो 4 नवंबर को कोर्ट ने जवाब मांगा है विभाग से और विभाग ने भी सभी को आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये न्यूज़ थी। तो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की अंतिम सूची में ज़्यादा अंक वाले शामिल नहीं हैं। आदेश का पालन कर रही है राज्य सरकार अभ्यर्थ को बोनस अंक। तो ये कुछ मामला था और 7 अक्टूबर को आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल सूची जारी हुई थी, लेकिन प्रोविजनल सूची आते ही सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि इसमें 26 दिन के हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे, जिसके चलते काफ़ी अभ्यर्थी के जिनके अंक ज़्यादा थे तो वो वंचित रह गए हैं इस भर्ती से। तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो हाईकोर्ट ने वापस विभाग से जवाब मांगा है कि
महीना है वो 30 का होता है, तो आपने 26 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जारी किया? तो ये सारा कुछ मामला है, और इसमें कम अंक वाले शामिल हो गए हैं और ज़्यादा अंक वाले रह गए हैं, और इसमें CHO को भी किसी प्रकार का बोनस अंक प्रावधान नहीं दिया है, तो वो भी उन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। क्या कुछ होता है 4 नवंबर को, जो भी फैसला आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। और साथियों, हमने अलग से वीडियो बना दिया है कि चिकित्सा विभाग ने भी सभी विभाग को एक आदेश जारी किया है, तो वो आप देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उस पर भी उसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वो देख लीजिए। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग में सतत पर है। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।